जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में सोमवती अमावस्या की व्रत कथा सुनाऊंगी। सोमवती अमावस्या का व्रत रखने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए, लेकिन दिवाली के दिन सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है तो आप लक्ष्मी, गणेश और कुबेर पूजन के साथ भगवान शिव की भी पूजा कर सकते हैं। इस पूजन को बहुत ही सौभाग्यदायक व मंगलकारी माना गया है। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों का ध्यान करते हुए पीपल की पूजा करनी चाहिए। अगर संभव हो तो पूरे दिन भोजन में नमक का प्रयोग ना करें। दिवाली के दिन यानी 12 नवंबर को दोपहर के समय 2:45 पर अमावस्या तिथि लग रही है और अगले दिन 13 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर 2:57 पर अमावस्या तिथि का समापन हो रहा है। सोमवार और अमावस्या तिथि होने के कारण इस अमावस्या को सोमवती अमावस्या का संयोग बना है। शास्त्रों में बताया गया है कि सोमवार के दिन अमावस्या तिथि अगर थोड़ी देर के लिए ही लग जाती है तो उस अमावस्या को सोमवती अमावस्या माना जाएगा। दिवाली के दिन सोमवती अमावस्या का लगना बहुत शुभ फलदायी माना गया है। इस संयोग के बनने से महालक्ष्मी और गणेश के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की भी कृपा प्राप्त होती है। आइए अब सुनते हैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वे उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वेधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ गई। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती है, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे, उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया, वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा,
तो उसे भवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भवरी देकर सोना, धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भवरी दी जाती है और फिर भवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।